यदि आपने 2019 में एनटीपीसी एग्जाम में आपने आवेदन किया था, रेलवे द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए आवेदन मंगाए गए थे जिसमें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट थी, आपने यदि इसमें आवेदन किया था तो क्या आपका एप्लीकेशन क्या सही था, अप्रूव कर लिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है या कोई मिस्टेक है, आप इसको चेक कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, आपको चेक करने के लिए इसके जस्ट ऊपर में दिया हुआ, यहाँ केवल नोटिस जारी किया गया है, इसके ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो क्या करेंगे, आपको यहाँ फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे यदि मान लेते हैं आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तब आपको करना होगा, आपको अपने जोन पर क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ बिलासपुर जोन को इसमें सेलेक्ट करता हूँ जिसमें आपने आवेदन किया था, आपको उसी को सिलेक्ट करना है न कि दूसरे जोन को। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ इस तरह का ये पेज ओपन हो जाता है, यदि आपने अपना फॉर्म गुमा दिया है, आप भूल गए हैं तब के लिए है ये आपका। आप देख सकते हैं यहाँ आपको पंजीकृत ईमेल आईडी आपको डालना होगा, ईमेल आईडी तो आपको जरूर याद होगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ आपको अपना जन्मदिन डालना होगा और उसके बाद यहाँ आपको नीचे कैप्चर कोड दर्ज करना होगा। यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ सामने शो हो जाएंगे। अब चलते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को, अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर रखे हैं तब आप चेक कर पाएंगे। यहाँ आपको एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करना है, कब से कब तक चेक करेंगे उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, 2019 में लिया गया था रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिट कब को किया गया था वो भी यहाँ बताया गया है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करने के बाद आपको अपना आपका जो जोन है, जिस जोन में आपने डाला है, जिस आरआरपी में डाला है, आपको उसी को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ बिलासपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे आप क्या आएगा तो इस तरह का ये आ जाता है, और यहाँ आपको अपना पंजीयन संख्या, यहाँ आपको अपना जन्म दिनांक जो आपने डाला है, और यहाँ पर कैप्चर कोड के बाद कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह का आपको दिखाएगा, अर्थात यहाँ हरा में लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज प्रोजेबल एक्सपेक्टेड, अर्थात एक्सपेक्ट कर लिया गया है आपका आवेदन सही है। आप देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और यहाँ नाम दिखा रहा है, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपने आरआरबी का चेक कर सकते हैं और आने वाले समय में 15 दिसंबर से इसका एग्जाम किए जा सकते हैं, लिए जाएंगे, ऐसा खुद ट्वीट करके बताया गया है और एप्लीकेशन स्टेटस चेक किए जा रहे हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।